The title of this module is Selected Problem Number 2 of Green's Theorem. बेटा हमारे पास problem statement क्या है? कहता जी के show that the area bounded by a simple closed curve C is given by half of the line in closed line integral C x dy minus y dx. बेटा क्या कहता है? कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक simple closed curve हो और फिर डेफिनेटली उसके दरमियान में कोई ना कोई एरिया तो बाउंड होगा, तो कहता है कि उसका जो एरिया होगा दैट वुड बी हाफ क्लोज्ड इंटीग्रल एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स. बेटा ये है बेसिकली रियल एप्लीकेशन ऑफ द ग्रीन्स थ्योरम. अब देखिए क्लियरली आपको पता लग रहा है कि ये आपको, अब आपके पास कोई भी एक सरफेस हो, आप बेटा उसकी अगर कर्व आपको पता है कि उसकी जो लिमिट्स हैं वो क्या हैं सी की, या उसकी जो बाउंड्री उसकी इंफॉर्मेशन है, तो फिर आप बड़ी आसानी के साथ जो है उसका एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बेटा हमारे पास अब ये फार्मूला आपको बेटा भूलना नहीं चाहिए कि हाफ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स. अगर आपको भूल जाए तो बेटा आप याद रखिएगा कि आपके पास बेसिकली दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक्स और वाई. तो स्टार्ट आपने लेना है एक्स से, और हर टर्म के अंदर डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व होना, डिफरेंशियल इन्वॉल्व होना चाहिए. तो एक्स अगर आ गया तो डिफरेंशियल ऑफ वाई, तो माइनस वाई फिर डिफरेंशियल ऑफ एक्स. तो इस तरीके से आप उसको याद रखेंगे, तो साथ में हाफ मल्टीप्लाई करना है. तो बेटा हम उसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम जो है प्लेन में बेटा वो क्या है, ये हमने प्रूव करना है कि ये वाकई जो है ये हमें एरिया देता है. अप्लाई तो बेटा बात की बात है ना कि हम उसको बाद में यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि क्या वाकई तौर पर आपको ये जो है यही आंसर देता है कि नहीं देता. तो बेटा चेक करते हैं इसको. तो बेटा ग्रीन्स थ्योरम आपको पता है कि ये आपके पास इस फॉर्म में है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैं इसको नहीं रिपीट कर रहा. तो बेटा अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपनी जो पिछला एक्सप्रेशन था, तो बेटा मेरे पास क्या बनता है कि m इज इक्वल टू माइनस वाई आ जाएगा और n इज इक्वल टू एक्स. तो फिर अगर हम ग्रीन्स थ्योरम के अंदर जो है ये सब्स्टिट्यूट करें तो बेटा हमारे पास वैल्यू क्या आएगी. बेटा आप देखेंगे कि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर x डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये वही बन चुका है जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड. जैसे कि शुरू में तो हमने यही अज्यूम किया है, देखना यह है कि राइट हैंड साइड जो है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. तो बेटा राइट हैंड साइड के ऊपर जो है आपका जो सरफेस इंटीग्रल वाला जो पोर्शन है, बेटा एन की वैल्यू जो है वो एक्स है. तो डेरिवेटिव आप लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो एम की वैल्यू है बेटा वो वाई माइनस वाई है, तो आपने लिया माइनस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई. तो बेटा ये आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज टू टाइम्स, इसकी वैल्यू वन आ गई, तो फिर ये माइनस इंटू माइनस वन. तो बेटा ये आपके पास माइनस और फिर माइनस माइनस, ये प्लस हो गया, तो ये टोटल आ गया आपके पास आ गया टू. तो टू टाइम्स आपके पास डी एक्स डी वाई आ चुका है. अब बेटा ये आपके पास क्या चीज है, ये आपके पास क्या है, ये हम बड़ी दफा बात कर चुके हैं कि ये बेसिकली एरिया को रिप्रेजेंट करता है. और जब हमने बात की थी पहले कि ये बेटा हमारे पास प्रोजेक्शन हो रहा होता था किसी भी प्लेन के ऊपर, तो इसका मतलब प्लेन के ऊपर जो है ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है. तो हम भी बेटा एरिया प्लेन के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, तो लिहाजा हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एरिया. तो दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स एरिया. तो बेटा हमारे पास जो है अगर ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास इक्वल टू टू टाइम्स एरिया आ चुका है, तो हमें तो कैलकुलेट ये करना था कि एरिया का फिर फार्मूला क्या है. तो एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के ऊपर जो है इंटीग्रल है, और साथ में बेटा हाफ मल्टीप्लाई हुआ है. तो इस तरीके से हमने देखा कि एरिया वाकई तौर पर जो है इस एक्सप्रेशन से जो है वो हमारे पास निकल आएगा अगर हमारे पास क्लोज कर्व जो है दैट इज सी. तो बेटा हमारे पास इस तरीके से जो थ्योरम है या जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसकी अब हम एप्लीकेशन देखते हैं कि एक वाकई तौर पर जो हम एरिया जिसके जो मशहूर एरिया है या जिसका हमें पता है कि इसका एरिया ये निकलता है. आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन हम एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं क्या वाकई ये जो एरिया है वो सही निकलता है या नहीं. तो बेटा चेक करते हैं हम एक एग्जांपल से. तो देखते हैं हमारे पास फिर एग्जांपल क्या है. बेटा हम प्रॉब्लम एक स्टेटमेंट देखते हैं. तो क्या है, कहता जी कि फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा. बेटा आपको पता है कि सेमी माइनर एक्सिस या मेजर एक्सिस आपको यहां पे a और b क्लियरली नजर आ रहे हैं. तो बेटा इसके हमने एरिया की हवाले से हमने बात करनी है. तो बेटा हमने ये बात तो आप जानते होंगे कि इसका वैसे एरिया क्या निकलता है. अगर हम सिंपली बेटा अगर हम इस पोर्शन को देखें
छोड़ दें, अगर आप उस जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी पीछे लिखे हुए हैं उसको छोड़ें आप बेटा, जो फिगर है हमारे पास, तो आपको पता है कि बेटा इसके अंदर जो आपकी ये जो एलिप्स बनती है जिसका सेमी माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस बेटा आपके पास ए और बी यहाँ पे गिवन है, तो बेटा हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो वैसे हमारे अपने नॉलेज के मुताबिक होना चाहिए, ए इंटू बी इंटू पाई। तो ये बेटा आंसर हमारे पास वैसे आता है अगर हम डायरेक्ट तरीके से वो सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो फिर देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या निकलता है। तो बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं, तो बेटा हमारे पास एक्स जो है वो गिवन है, वाई भी गिवन है, तो डी एक्स जो है और डी वाई बेटा बड़ी आसानी के साथ उसके डेरिवेटिव्स लेकर हम निकाल सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो एरिया का फार्मूला है दैट इज हाफ ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द क्लोज इंटीग्रल सी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये फार्मूला। तो बेटा आगे चलते हैं, हम इसकी वैल्यूज को जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, बेटा x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, फिर dy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, इसी तरह आपके पास y और फिर dx बेटा आपके पास आ चुका है। लेकिन बेटा अब हमारे पास, हमने इसको थीटा में, हमने पैरामीट्रिक फॉर्म बेसिकली है, तो थीटा की वैल्यू जो है वो डेफिनेटली हमें पता है कि एलिप्स ये जो है प्लेन के ऊपर है और इसका जो एंगल है वो 0 to 2π आपके पास क्लोज्ड लूप है चूंकि होना चाहिए, तो बेटा हमारे पास जो है इसका यही आप लिमिट सप्लाई करेंगे 0 to 2π। फर्दर बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस बिकम्स एज आपके पास यहाँ पे देखेंगे कि ए बी और फिर कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इंटू डी थीटा, बेटा ये आप जानते हैं कि ये इक्वल टू 1 आपके पास होता है। तो बेटा अगर ये आपके पास इक्वल टू 1 है तो एरिया इज इक्वल टू ए बी डॉट हाफ ऑफ 0 to 2π डी थीटा, तो ये ओवरऑल आपके पास आंसर क्या आ गया, ए बी इंटू पाई। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि हमें वैसे मालूम है कि बेटा हमारे पास जो एरिया निकलता है इस केस में वो ए बी इंटू पाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि मुझे अगर पता है, बेटा अगर आप कोई भी इवन सर्कुलर अगर आप कोई भी डिस्क लेकर चेक कर लें तो उसका भी अगर आप एरिया निकालना चाहें तो भी उससे भी आप देखेंगे कि आपका आंसर जो है वो आपका सेम आएगा इस वाले फार्मूले से। तो इस तरीके से बेटा आपके पास जो है आपने रिक्वायर्ड जो एलिप्स जो हमारे पास प्लेन के ऊपर बन रही थी तो इसका एरिया आप निकाल चुके हैं, सो दैट इज इक्वल टू ए बी इंटू पाई। सो दिस इज द एंड ऑफ द मॉड्यूल, थैंक यू वेरी मच।